कैसे हम लोग 30 सेकंड में मात्र निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे हम लोग का ये एक प्रश्न है, ठीक है, और इसका सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लिए तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है 1 बाई ए और एडजॉइंट ए होता है हम लोग, यानी कि एडजॉइंट हम लोग निकालेंगे तो यहाँ 1 बटा ए हम लोग का हो जा रहा है 1 1। तो अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग के लिए यहाँ पर हम लोग का एक ट्रिक होता है। जैसे कि हम लोग जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये हम लोग का क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ये जो हम लोग का पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम हम लोग का है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी कि 1 1 1, ठीक है, और उसके बाद 3 4 3, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हम लोग का पहला रो है और ये हम लोग का जो दूसरा रो है, इसको भी हम लोग लिखते हैं, यानी कि जो हम लोग का पहला रो क्या है 1 3 3 1 3, यानी कि ये 5 रो, ठीक है, और ये दूसरा रो यानी कि 1 4 3 1 4, इसको हम लोग लिखते हैं। अब इसका हम लोग एडजॉइंट निकालना है, इस सवाल के लिए एडजॉइंट निकालना है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, ये जो पहला रो है हम लोग का, ठीक है, पहला रो है ये, और ये जो हम लोग का पहला कॉलम है यानी कि ये, इन दोनों को क्या करेंगे हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे हम कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि ये हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, यानी कि 16 3 3 9, 16 में से 9 दिया 7, तो जो कि यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 3 3 9 और 4 3 12, 9 से 12 किया हम लोग का -3। यहाँ देखिए हम लोग रो कॉलम वाइज चलेंगे, यहाँ चल रहे हैं हम लोग क्या कॉलम वाइज, और लिखेंगे यहाँ पर हम लोग रो वाइज, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कॉलम वाइज चलेंगे लिखेंगे लेकिन रो वाइज। तीसरा हम लोग देख रहे हैं ये 3 3 9 और 4 3 12, यानी कि 9 में से 12 किया -3, यानी कि कॉलम वाइज चले हम लोग लिखेंगे रो वाइज, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3 1 3 4 1 4, 3 में से 4 जाएगा -1, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग का 4 हो गया और ये 3 हो गया, 4 में से 3 गया +1, कॉलम वाइज हम लोग आ रहे हैं और लिखेंगे रो वाइज, ठीक है, कॉलम वाइज आ रहे हैं लिखेंगे रो वाइज, यानी कि यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 3 3 3 1 3 और -3 1 3, यानी कि 0, यहाँ 0 हो गया हम लोग का। उसके बाद यहाँ इसको लिखेंगे 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 1 4, यानी 3 में से 4 गया तो -1। याद रखेंगे जब हम लोग चलेंगे कॉलम वाइज और लिखेंगे यहाँ पर रो वाइज, फिर ये हम लोग कितना हो जाएगा 0, 0 होगा, यहाँ 0 लिख देंगे और ये हम लोग हो जाएगा 4 -3, यानी कि +1, यानी कि हम लोग निकल चुका है क्या इनवर्स, मान ली 30 सेकेंड में, ठीक है। गुरु मंत्र में आपका स्वागत है।